हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने डिलीवर अस फ्रॉम एविल नाम की एक मूवी देखी है और ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। डिलीवर अस फ्रॉम एविल सन 2014 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्ट किया है। असल में ये फिल्म 2001 में राल्फ सार्ची और लीजा कॉलियर कूल के द्वारा लिखे गए एक नॉन फिक्शन बुक बिवेयर द नाइट से इंस्पायर्ड है और इस फिल्म के प्रमोशन के टाइम भी बताया गया था कि दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। डिलीवर अस फ्रॉम ईविल को IMDb पे मिले हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोस पे इट्स ओनली 29% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 40 out of 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर डिलीवर अस फ्रॉम ईविल मूवी की कहानी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको सटली याद दिला दूं कि अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई न्यू गेमिंग चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत 2010 में हो रहे एक मिलिट्री मिशन से होती है, जहां 3 सोल्जर्स को इराक में एक केव मिलता है। इस केव में उनके कैमरास और टॉर्चेस बंद हो जाते हैं और फिर इनमें से एक के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। सीन अब शिफ्ट होकर 2013 में न्यूयॉर्क शहर को दिखाता है, जहां राल्फ सार्ची नाम के एक स्पेशल फोर्स पुलिस ऑफिसर को एक बच्चे की लाश मिलती है। सार्ची और उसका पार्टनर बटलर, जो कि उस रात नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको फिर एक डिस्ट्रेस कॉल आता है। सार्ची और बटलर उस एड्रेस पे जाते हैं जहां उन्हें एक फॉर्मर सोल्जर मिलता है और इस घर से उन्हें डोमेस्टिक अब्यूज की कंप्लेंट आई थी। उस फॉर्मर सोल्जर का नाम जिमी ट्रैटनर था और जब सार्ची उससे उसके वाइफ के बारे में पूछता है तो जिमी कहता है कि शी इज ओके, लेकिन सार्ची जिमी के वाइफ को देखना चाहता था। और जब घर के अंदर सार्ची जिमी के वाइफ के चेहरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिमी ने अपनी वाइफ को फिजिकली अब्यूज किया है। सार्ची और बटलर घर के फ्लोर पर स्क्रैच मार्क्स देखते हैं और जब वो जिमी को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो जिमी उन पर अटैक कर देता है विद अ नाइफ। जिमी घर से भाग जाता है पर सार्ची और बटलर उसका पीछा करते हैं और उसे फाइनली पकड़ के अरेस्ट करते हैं। दोनों ऑफिसर्स देखते हैं कि जिमी के फिंगर नेल्स क्रैक्ड हैं और वो ब्लीड भी कर रहा था। सार्ची और बटलर सोचते हैं कि आइदर जिमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर वो ड्रग्स पे है। खैर, अब सार्ची और बटलर को एक जू में बुलाया जाता है, जहां एक औरत ने अपने बच्चे को लायंस के इनक्लोजर में फेंक दिया था। सार्ची को वो औरत एक लेमर के इनक्लोजर में मिलती है और वो औरत जमीन को तेजी से खोदे जा रही थी। जब सार्ची उसे पकड़कर अरेस्ट करता है तो वो औरत डोर्स के बारे में एक गाना गाने लगती है। इसी बीच सार्ची को लायन इनक्लोजर में एक पेंटर दिखता है और सार्ची इस आदमी से पूछताछ करने के लिए लायंस के इनक्लोजर में चला जाता है, लेकिन वहां लायन सार्ची पर अटैक कर देते हैं और सार्ची की जान बड़ी ही मुश्किल से बचती है। तो कहानी में आगे हमें अपने बच्चे फेंकने वाली औरत का नाम पता चलता है, विच वॉज जेन क्रियाना, और जेन को एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट किया जाता है। इस फैसिलिटी में मेंडोजा नाम का एक प्रीस्ट आता है, जिसे कि जेन के फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया था। मेंडोजा सार्ची से जेन के बिहेवियर के बारे में काफी सवाल करता है, लेकिन तभी सार्ची और बटलर को एक और डिस्ट्रेस कॉल आता है। इस बार ये डिस्ट्रेस कॉल एक घर से आया था, जिसके रेसिडेंट्स की ये कंप्लेंट थी कि उनके घर के बेसमेंट से अजीब आवाजें आ रही है। जब सार्ची और बटलर इस फैमिली के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फैमिली कुछ दिनों से लिविंग रूम में रह रहे थे, क्योंकि उनके बेसमेंट के डोर के पीछे से डरावनी आवाजें आ रही थी। इतना ही नहीं, उनके घर में बल्ब्स कुछ ही देर में खराब हो जाते थे एंड नो मैटर वो कितने भी बल्ब्स चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो और, उनके घर में रखे सेक्रेट कैंडल्स भी जल नहीं रहे थे। उस फैमिली की बातों से ऐसा लग रहा था एज इफ उनके घर में कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। खैर, सार्ची और बटलर बेसमेंट में जाते हैं टू चेक द प्लेस और वहां सार्ची को एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि बुरी तरह से सर रही थी और उसमें से फ्लाइज भी निकल रहे थे। ये बॉडी बेसमेंट में रैप होकर पड़ी हुई थी और उस घर में रहने वाली फैमिली से बात करके सार्ची को पता चलता है कि ये बॉडी एक पेंटर की थी। असल में कुछ दिन पहले उस फैमिली के घर में 2 पेंटर्स आए थे, जो कि उनके बेसमेंट को पेंट कर रहे थे। सार्ची को फिर पता चलता है कि वो बॉडी डेविड ग्रिग्स नाम के एक आदमी की है और इसके बाद सार्ची ग्रिग्स के अपार्टमेंट जाता है, जहां पूरा घर एकदम तहस नहस पड़ा हुआ था। वहां सार्ची को एक विजिटिंग कार्ड मिलता है, जो कि ग्रिग्स के पेंटिंग कंपनी का था।
इतना ही नहीं, उस घर में सार्ची को ग्रिग्स के फैमिली की एक फोटो मिलती है, जिससे सार्ची को यह पता चलता है कि ग्रिग्स जेन क्रियाना का हस्बैंड था और जिस बच्चे को जेन ने लायन एनक्लोजर में फेंक दिया था वो उन दोनों का बच्चा था। सार्जी को उस अपार्टमेंट में एक और फोटो मिलता है जिसमें तीन सोल्जर्स खड़े हुए थे और वो तीन और कोई नहीं बल्कि जिमी ट्रैटनर, डेविड ग्रिग्स और एक तीसरा सोल्जर जिसका नाम सैंटिनो था। सार्ची फिर कंक्लूड करता है कि जो दूसरा पेंटर ग्रिग्स के साथ काम कर रहा था वो सैंटिनो होगा। और अगर आपको याद हो तो जू में भी सार्ची ने एक पेंटर को देखा था और सार्ची को लगता है कि वो ही सैंटिनो था। एनीवेज, मेंडोजा सार्ची से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और वो सार्ची से जू के कैमरा से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को देखने की रिक्वेस्ट करता है। मेंडोजा का ये मानना था कि जेन को डीमंस ने पजेस कर लिया था और वो सार्ची को समझाता है कि दुनिया में जो सेकेंडरी ईविल है वो तो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, पर दुनिया में एक प्राइमरी ईविल भी है जो कि डीमन से आता है। सार्ची मेंडोजा की बातों को नहीं मानता, पर जब वो बटलर के साथ मिलकर उन टेप्स को देखता है तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और उसे स्क्रीन पे भी कुछ इमेजेस दिखते हैं जो कि बटलर को नहीं दिखते। सार्ची जिमी के घर जाता है और वहां जिमी के ऑफिस में एक वॉल मिलता है जिसपे रिसेंटली पेंट लगाया गया था। सार्ची उस वॉल से पेंट को हटाता है और उसे वॉल पर कुछ अजीब पिक्टोग्राफ्स मिलते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स पैरेलल में एक सीन देखते हैं जहाँ सार्ची के घर में उसकी बेटी सो रही होती है और तभी उसे अपने रूम में कुछ अजीब आवाजें और स्क्रैचिंग के नॉइज आते हैं जिससे वो डर जाती है। खैर, सार्ची जिमी के घर के उस वॉल पे लगे पेंट को पूरी तरह से स्क्रेप कर देता है और उसे उस वॉल पे कुछ स्ट्रेंज लैटिन और पर्शियन मैसेज और पिक्चर्स मिलते हैं। सार्ची को जिमी के ऑफिस में कुछ हार्ड ड्राइव्स भी मिलते हैं जिनमें से एक वीडियो में वो उस मिशन को देखता है जिसे हमने मूवी के बिगिनिंग में देखा था। इस वीडियो में सार्ची देखता है कि उन तीनों सोल्जर्स को उस केव के अंदर वही पिक्चर्स और मैसेजेस लिखे हुए मिले थे जो कि सार्ची को जिमी के वॉल पर मिले हैं। सार्ची फिर उस बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करने जाता है जहां उसे ग्रिग्स की बॉडी मिलती है। वहां भी जब सार्ची वॉल्स पे लगे पेंट को हटा देता है तो उसे वही पिक्चर्स और मैसेजेस लिखे हुए मिलते हैं। अब सार्ची जू से मिले सर्वेलेंस टेप्स को भी चेक करता है और वहाँ भी लायन एनक्लोजर के वॉल्स पे सार्ची को वही मैसेजेस और पिक्चर्स मिलते हैं और इस मैसेज को छुपाने के लिए सैंटिनो उन पर पेंट कर रहा था। इन सब को देखने के बाद सार्ची मेंडोजा के साथ जेन से मिलने मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जा पहुंचता है और सार्ची उस मैसेज के पिक्चर्स को जेन को दिखाता है। यहाँ जेन पिक्चर्स देखते ही सार्ची पे अटैक कर देती है और वो सार्ची के हाथ को काट लेती है। एनीवेज, मेंडोजा अब सार्ची के साथ मिलकर उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है और वो सार्ची को बताता है कि ये मैसेज और पिक्चर्स असल में एक डोर या पोर्टल का काम करते हैं जिसके थ्रू डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर पाते हैं। मेंडोजा सार्ची को ये भी बताता है कि कुछ लोग इन मैसेजेस से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, यानी कि इस पोर्टल से ह्यूमन वर्ल्ड आने वाले डीमंस कुछ ह्यूमंस को इजीली मैनिपुलेट या फिर पजेस कर पाते हैं और कुछ ह्यूमंस पे इन मैसेज का कोई असर नहीं पड़ता। शायद इसीलिए इन मैसेजेस को देखने और स्टडी करने पे भी सार्ची को कुछ नहीं हुआ था, यानी कि उसे किसी डीमन ने पजेस नहीं किया, जबकि जेन को इस मैसेज ने बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सार्ची को जू से मिले टेप्स में यह पता चलता है कि इनिशियली जेन एकदम ठीक थी, पर जब वो लाइन एनक्लोजर के पास गई थी उसने वॉल्स पे बने वो मैसेजेस पढ़ लिए और उसे वहां सैंटिनो भी दिखा था जिसके तुरंत बाद जेन ने अपने बच्चे को एनक्लोजर में फेंक दिया था। खैर, सार्ची और मेंडोजा गॉड को लेकर अपने व्यूज शेयर करते हैं और एक दूसरे को अपने लाइफ स्टोरीज भी बताते हैं। जैसे मेंडोजा बताता है कि वो ड्रग्स वगैरह किया करता था पर उसने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है और फाइनली प्रीस्टहुड ज्वाइन किया। सिमिलरली सार्ची भी मेंडोजा को बताता है कि कई साल पहले उसने एक चाइल्ड मोलेस्टर और मर्डरर को पकड़ा था, पर सार्ची को इतना गुस्सा आया था कि उसने खुद उस आदमी को मार दिया और ये बात सार्ची को आज तक परेशान कर रही है। मेंडोजा सार्ची को कहता है कि भले ही वो आदमी उस पनिशमेंट को डिजर्व करता था पर जो सार्ची ने किया वो जस्टिस नहीं था। इस बात को कन्फेस करने के बाद सार्ची और मेंडोजा सैंटिनो को पकड़ने के लिए निकलते हैं और उनके साथ बटलर भी होता है। ये तीनों सैंटिनो के अपार्टमेंट जा पहुंचते हैं और बिल्डिंग के अंदर सैंटिनो बटलर पर अटैक करके उसे मार देता है और वो वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में जिमी सार्ची पे अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पे मेंडोजा वहां आ जाता है और वो जिमी को होली क्रॉस के हेल्प से शांत कर देता है। मीनवाइल सार्ची के घर में उसकी बेटी को अपने रूम में फिर से वही डरावनी आवाजें आती हैं और उसके टॉयज अपने आप ही चालू हो जाते हैं। वो अपने रूम से भागकर बाहर जाती है और उसे हॉलवे में सैंटिनो खड़ा मिलता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है।
सार्ची अब सैंटिनो के बिल्डिंग से बाहर आ चुका था और रास्ते में उसे जेन क्रियाना की डेड बॉडी मिलती है जो कि मेंटल हेल्थ फैसिलिटी से भाग गई थी और उसने एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। सार्ची को अब एक कॉल आता है और ये कॉल सैंटिनो ने किया था और वो भी सार्ची के ही घर से। सार्ची तुरंत अपने घर पहुंचता है अलॉन्ग विद हर टीम और वो सैंटिनो को अरेस्ट करते हैं। सैंटिनो बार बार सार्ची से कहता रहता है कि उसे अंदर आने दो वरना उसकी वाइफ और बेटी मारे जाएंगे और ये असल में सैंटिनो के अंदर ट्रैप हुआ डीमन बोल रहा था जो कि सार्ची को पजेस करना चाहता था। लेकिन सार्ची के ऊपर वो मैसेजेस काम नहीं कर रहे थे जैसे कि मेंडोजा ने पहले ही बताया था। खैर, पुलिस स्टेशन में मेंडोजा सैंटिनो पर एग्जॉर्सिज्म करता है और सार्ची मेंडोजा की मदद करता है। इस एग्जॉर्सिज्म के बाद वो डीमन जिसका नाम जंगलर था वो फाइनली सैंटिनो की बॉडी को छोड़ देता है और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि सार्ची को उसकी फैमिली एक पेंटिंग वैन में मिलती है। कहानी अब कुछ दिन बाद के इंसिडेंट्स को दिखाती है जहां सार्ची अपने सेकेंड चाइल्ड के बैप्टिज्म में है और वो अब गॉड पे बिलीव करने लगा है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिलीवर अस फ्रॉम इविल मूवी की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब ये कहानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसमें कोई थियरीज वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको इस कहानी के रियल होने वाली बात पे कुछ पॉइंटर्स दे सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिलीवर अस फ्रॉम इविल मूवी बिवेयर द नाइट बुक पे आधारित है और ये किताब थोड़ी स्ट्रेंज है। इस बुक में कई सारे केसेस बताए गए हैं जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मूवी की कहानी एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को फॉलो करती है। इस बुक की कहानियों में कई ऐसे केसेस डिस्कस किए गए हैं जिसमें विक्टिम्स ने क्लेम किया है कि उन्हें डीमंस ने पजेस कर लिया है, लेकिन उन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई मापदंड नहीं है। इन शॉर्ट, इस मूवी को बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज कहना मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग गिमिक के अलावा और कुछ नहीं था और बिवेयर द नाइट बुक में मूवी में दिखाई गई स्टोरीज से बेहतर स्टोरीज थी जिनको डेवलप किया जा सकता था। सो ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वाली बात को आप ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ही लीजिएगा। और रही बात रिकमेंडेशंस की, तो इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।